हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नीरज शाह, यू वाचिंग माय चैनल। होप्स आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ। जय श्री राम सभी भाइयों को। तो स्वागत करता हूँ अपने दोबारा से एक और न्यू व्लॉग की तरफ, जो कि हमारा गोवा में ही है। तो अभी हम लोग साउथ गोवा में थे एंड अब हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ गोवा की तरफ, जहाँ के बीचेस हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। निकलते हैं यहाँ से। ओह माय गॉड, हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे एंड हमें यहाँ पे कितना अच्छा लोकेशन दिखा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है, कोई नहीं है यहाँ पे। एंड आप लोग देख सकते हैं, एक चर्च है यहाँ पे एंड पूरा पानी पानी, बहुत ही मस्त लोकेशन है फ़ोटोज़ के लिए। तो हम लोगों ने 2-3 फ़ोटोज़ क्लिक करी अभी यहाँ पे एंड आगे से ब्रिज क्रॉस करना पड़ा हमें, और लोकेशन इतना प्यारा था कि हमें रुकना पड़ा यहाँ पे। एंड ये देखो, लोकेशन देखते ही बह जाता है। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं गोवा के म्यूजियम में। वाह, चीज़ है जो खुशबू मेरा कर रही है। तो गाइज, हम लोग म्यूजियम के अंदर से आ रहे हैं बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा देख लिया हमने म्यूजियम एंड बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। तो आज कैश तो लाया नहीं, तो पेटीएम में उतनी अमाउंट है नहीं। हम लोग निकल रहे हैं अभी एंड एक और चीज़, कुछ खाने का मन कर रहा है। लेट्स सी, कुछ है यहाँ पे कि नहीं। बोला था उन्होंने कैफे है यहाँ पे। तो कैफे पीछे कैफे था एंड यहाँ पर देखो क्या है, ये आर्ट स्टूडियो है एंड देखना कितना प्यारा है। खाना पीना यहाँ नहीं लाना, वो इतना बड़ा मैंगो देख। भूख लग रही है तो अब कुछ खा लेते हैं हम लोग, बहुत हो गया म्यूजियम है। कुछ भी भूख लग रही है गाइस। आगे का सीन देखिए, पूरा जंगल ही जंगल है। ये रहा कैफे एंड पीछे ही म्यूजियम था। तो अभी हम लोगों ने कुछ ऑर्डर किया खाने के लिए। खुशबू ने ऑर्डर किया आम पन्ना, मैंने कोल्ड कॉफ़ी, पाव भाजी एंड एक क्या था, पनकी करके कोई डिश है, तो वो खा रहे हैं हम लोग। तो अभी हम वो खाएंगे एंड फिर यहाँ से निकलेंगे बीच के लिए, ठीक है ना। तो अभी हम फिनिश करते हैं और मिलते हैं। वजीरा गोवा का वड़ा पाव एंड यार, ये तो वीडियो अपलोड करने में लगा रखी है, इसलिए इस कैमरे से मेरे को वीडियो बनानी पड़ रही है, अपलोड ही नहीं हो रही। सुबह से ट्राई कर रहा हूँ मैं व्लॉग के लिए। हम लोग अब अपने रूम की तरफ जा रहे हैं, जो कि यहाँ से अराउंड 20-25 मिनट्स का रास्ता है एंड 20-25 मिनट्स में हम लोग पहुँच जाएंगे। अच्छा। बट रूट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है, ये सामने भी है ना, तो हमें पूरा घूम के जाना पड़ रहा है, तो यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है बस। बाकी गाड़ी तो है, तो लेट्स गो, पहुँचते हैं हम। एंड म्यूजियम भी थोड़ा अजीब सी जगह पे ही है, मतलब यहाँ पे सारे ना मार्बल्स का शॉप है एंड फैक्ट्रीज भी है एंड इसके बीच में एकदम म्यूजियम है। सुनो, मतलब
लोकेशन ही थोड़ा अलग से है, कोई मतलब यहाँ पे आएगा तो समझ ही नहीं पाएगा यहाँ पर है क्या म्यूजियम। मतलब तो ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब हम लोग सोच नहीं सकते वैसे, क्योंकि मार्बल शॉप है, फैक्ट्रीज है एंड उसके बीच में यहाँ पे एक वो बना रखा है म्यूजियम। तो लेट्स गो, हम लोग चल रहे हैं अपने रूम की तरफ। अंडर कवर फरारी गाइस, ये है संतोष विला एंड ऊपर अभी गाड़ी लेके जाना है। मैं ऊपर लेके चले गया था बट उसके बाद वापस नीचे लेके आया क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था रिसेप्शन कहाँ पर है, तो रिसेप्शन से मैं होके आ चुका हूँ। काफ़ी ज़्यादा हाइट है अभी, आप देखना गाइस, अभी दो तीन बार दिखाऊंगा ना आपको, आप खुद बोलोगे इतनी हाइट है जैसे पहाड़ वाली हाइट ही है। ये है रूम, तो ये एक पूरा विला टाइप का है, ऊपर स्विमिंग है। हाँ तो ऊपर स्विमिंग मैंने पूछ भी लिया एंड वो सुबह 7 to 10 लास्ट रात को 10 बजे तक, 10 बजे से 10 बजे के बाद बंद हो जाता है। तो हाँ रात में 10 बजे के बाद बंद हो जाता है, खुला है। तो अभी पहुँचाऊँ एंड गाड़ी पार्क कर दी है, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे देन हम लोग डिसाइड करेंगे शाम को किधर जाना है। 000 ही था पर मुझे नहीं पता ये अब खुल क्यों नहीं रहा। देखो गाइस यहाँ पे नीरज ने, ये देख रहे हो बैग में ऐसा पासवर्ड लगा है कि ये खुल ही नहीं रहा है, 000 से भी नहीं खुल रहा जो कि कॉमन है। अब यही कपड़े पहन के घूमेंगे क्या दिन भर, सारा सामान तो इसी के अंदर है हमारा। ये देखो गाइस 000 है पर खुल क्यों नहीं रहा है, क्या हमें लॉक तोड़ना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है, 975 पे बोला यार 975। हाँ वो पता नहीं ऐसा क्यों है बट खुल गया। क्या बात, मुझे पता चल गया वो, मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा गाइस। चलो मेरे साथ रह के नीरज इंटेलिजेंट हो गए हैं। भाई सूटकेस पैक्ड हो गया था, लॉक्ड हो गया था, 000 पासवर्ड होता है फिर भी नहीं खुल रहा था, तो अभी जाके जैसे तैसे सूटकेस का पासवर्ड खोला है। तो ये टेक्निक है, निंजा टेक्निक, ये मैंने बताई है। तो गाइस रेस्ट कर लिया था एंड अब हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं लंच करने के लिए एंड वहाँ पे सब कुछ देख लेंगे, स्विमिंग पूल भी देख लेंगे एंड धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो हम लोग सब ने मतलब हम दोनों ने सनस्क्रीन भी लगा लिया बहुत ज़्यादा, वो अलग से भी दिख रहा होगा अभी ऐसे बहुत ज़्यादा ऊँचाई है। तो गाइस बैड न्यूज़, हम लोगों को ऊपर लंच करने के लिए जा रहे थे बट 3 बजे के बाद लंच क्लोज़ हो जाता है, रेस्टोरेंट क्लोज़ हो जाता है, तो अब हमारा ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं, बट स्टिल हम लोग थोड़ा सा देखने जा रहे हैं कि कैसा है ऊपर क्या है, तो देख के वापस नीचे जाएंगे। नीचे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है पर ऊपर जाने में प्रॉब्लम होती है, तो ऊपर जाने में तो दिक्कत होगी ना तभी तो ऊपर पार्किंग भी है बट हमने पार्किंग अपने वहीं पर कर दी थी एंड लेट्स सी स्विमिंग पूल देखना है, बेसिकली मेन चीज़ तो वही था। तो गाइस यहाँ पर है ये रेस्टोरेंट, नीचे हमारा वो है एंड ये रहा स्विमिंग के लिए एक अच्छा सा जगह, तो हम लोग अब यहाँ से निकलते हैं गाइस। तो गाइस डिसाइड हो चुका है कि हम लोग बागा बीच ही जा रहे हैं, बागा बीच से हम बागा बीच पहुँचेंगे एंड वहीं पे हम लोग अपना लंच भी एंड डिनर भी फिनिश करेंगे। वहाँ पे वीडियो कॉल पे लग रखी है देखो मैडम, तो चलते गाइस। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं, पे पार्किंग है इधर, 100 पहले तो नहीं था, अभी आ गया, अभी एक क्या परसों आया, 200 रुपये था, 100 था, 50 रुपीज़ था पहले तो, बागा में था, तो बागा में जाना पड़ेगा, तो बागा मूव करें फिर यहाँ से। तो गाइस पार्किंग बड़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी पार्किंग है, मज़ा आ गया पार्किंग देख के। अच्छा हुआ वहीं पार्क कर दिया, हमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी एंड लेट दयानंद जी का स्टैचू, नहीं ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं करनी है यार। बीच से हम लोग थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं कुछ खाने के लिए
एंड ये वाला बीच एंड बागा बीच दोनों बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहते हैं एंड बहुत ज़्यादा लोग मस्ती वस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। तो गोवा आओगे तो आप लोग कभी तो ये बीच में एंड बागा बीच में तो बिल्कुल ज़रूर घूमना, बहुत इंजॉय करोगे आप लोग। एंड अब हम लोगों को थोड़ा सा भूख लग रहा है तो हम लोग कुछ खाने के लिए जा रहे हैं एंड यहाँ से थोड़ा सा बाहर ही है, मतलब बाहर तो बहुत कुछ है यहाँ पे खाने के लिए। तो गाइस खाना आ गया, खाना फिनिश करके फिर बता दें कैसा है खाना। तो गाइस खाना खा लिया, बहुत ज़्यादा पेट हैवी हो गया एंड क्योंकि थाली थी तो पेट पूरा पैक्ड हो गया है एंड वापस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे बीच में। फिर ये वाला 11 करेंगे एंड फिर वहीं पे लंच तो वहीं होगा ना, ठीक है। तो गाइज हम लोगों ने कल के लिए प्लान कर लिया है, हम लोग कल वाटर एक्टिविटीज़ करेंगे तो हमें कल 11 बजे वहाँ पे रिपोर्ट करना है। एक लोकेशन वो हमें सेंड करेंगे थ्रू व्हाट्सएप, तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे अराउंड 11, वहीं पे सारे हमारा पूरा डे हमारा वहीं पे फिनिश होगा। अभी हम लोग घर की तरफ, मतलब जहाँ पर हमने स्टे किया है वहाँ की तरफ मूव हो रहे हैं हम लोग। जहाँ बीच के एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड था, बहुत रश था वहाँ पे, बहुत सारे अभी भी देखा जाए तो वहाँ पे अभी क्या अभी 12-1-2 बजे तक भी ना क्राउड रहेगा, बट यहाँ पर अभी अराउंड 8:30 हो चुका है, स्टिल कोई क्राउड नहीं है एंड बहुत ही प्यारा सुकून हो रहा है। तो गाइस फाइनली हम लोग रूम में पहुँच चुके हैं एंड कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, सोच सकते हो आप इतना प्यारा कि गाड़ी में बैठ रहा है और अपना एक चप्पल बाहर छोड़ दिया एंड दूसरा चप्पल गाड़ी के अंदर उतार रहा है। तो वो कोई नहीं, बस खुशबू हो सकती है। तो उसने अपना एक चप्पल गाड़ी के अंदर उतारा, दूसरा चप्पल गाड़ी के बाहर उतारा और हम लोग जब यहाँ पहुँच चुके हैं तब वो चप्पल ढूँढ रही है। तो अभी हम लोग डिनर करेंगे एंड फिर रेस्ट करेंगे। तो कल का प्लान स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ सॉरी वाटर एक्टिविटीज़ होगी सारी। तो आज का ब्लॉग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।